चैनल और मैं हूं आपकी होस्ट दोस्त आकांक्षा। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही डिलीशियस और सिंपल तरीके से बनने वाली रेसिपी लेकर आई हूं, जिसे हम कहते हैं मलाई कोफ्ता। वैसे तो लगता है ये बनाने में बहुत ही मुश्किल होगी, बट ये वीडियो देखने के बाद मैं डेफिनेटली कहती हूं आप इजीली मलाई कोफ्ता बना पाएंगे और फटाफट बन जाएगा। तो चलिए मलाई कोफ्ता बनाना स्टार्ट करते हैं। मलाई कोफ्ता बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है ये पनीर। ये देखिए, एक कप मैंने पनीर लिया है, इसको इस तरीके से मैंने ग्रेट कर लिया। लगभग 200 ग्राम पनीर है और इसको मैंने ग्रेट कर लिया है। नेक्स्ट मैंने लिए हैं दो बड़े आलू, और जो ये मैंने इस तरीके से इनको भी ग्रेट कर लिया, एकदम से अच्छे से ग्रेट किया है। नेक्स्ट लिए प्याज और टमाटर, इसमें मैंने दो बड़े टमाटर लिए हैं और दो बड़े प्याज लिए हैं। इसमें लहसुन अदरक भी लिया है मैंने। नेक्स्ट मैदा लिया है मैंने हाफ का 2 टेबल स्पून, और ये कुछ खड़े गरम मसाले हैं, बे लीफ, लौंग, इलायची और इसके साथ काली मिर्च। नेक्स्ट हमने लिया है ये फ्रेश क्रीम, रिफाइंड ऑयल, और ये कुछ काजू मैंने लिए, इस तरीके से मैंने इनको तोड़ लिया है, और कुछ काजू मैंने भिगो के रखे हैं जिसकी हम प्योरे बनाएंगे। नेक्स्ट इस तरीके से देखिए आप बना सकते हैं प्योरे। नेक्स्ट हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और सॉल्ट। तो सबसे पहले हम ये मलाई कोफ्ता दो पार्ट में बनता है, तो सबसे पहले हम लेंगे इनके कोफ्ते बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने लिया है ये पनीर और एक बाउल लिया है उसमें, और उसमें साथ ही साथ मैं डालूंगी ये आलू, और उसके साथ ये मैदा लिया है जो कि इनको बाइंड करेगा और इसका एक डोप फॉर्म कर लेंगे इस तरीके से। आपको इसमें वाटर ऐड नहीं करना है, कुछ भी ऐड नहीं करना है, इस तरीके से आप इसको अच्छे से एक सॉफ्ट डो तैयार हो जाएगा। और मैदा इसमें इतनी मिलानी है ताकि ये इजीली कंबाइन हो जाए। तो मैदा को अच्छे से ऐड कर दीजिए ताकि बाइंडिंग में हेल्प करती है मैदा, और हमारे कोफ्ते हैं जो वो फटेंगे नहीं। तो इस तरीके से आप मैदा को अच्छे से कंबाइन कर लीजिए इसमें। आप चाहें तो थोड़ी मैदा और ऐड कर सकते हैं और एक अच्छा सा डो बन जाएगा। ये देखिए इस तरीके से डो बन जाएगा इजीली। अब हम एक लेमन साइज डो लेंगे और इस तरीके से इसको रोल आउट करेंगे अपने पाम पे। ये देखिए मैंने इस तरीके से इसे रोल आउट कर लिया है। उसके साथ ही साथ जो काजू हमने लिए थे ना, उनको इसके अंदर स्टफ़ कर देंगे। तो आप स्टफ़ करके भी बना सकते हैं, आप चाहें तो नॉर्मल भी बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से बना दिया है, कोई क्रैक्स नहीं रहना चाहिए इसमें, अदरवाइज ये फटने का डर रहता है। और इस तरीके से इसे रोल आउट दोबारा कर देंगे मैदे में ताकि ये फटे नहीं। नेक्स्ट भी हम इसी तरीके से लेंगे सेम, और इसको हम विदाउट स्टफिंग बनाएंगे। तो इसको डायरेक्टली ऐसे रोल आउट कर सकते हैं आप, और इसके बाद इसको भी मैदे में सेम से रोल आउट कर देंगे ताकि ये फिर से फटे नहीं। नेक्स्ट भी हम सारे इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। आप इनको स्टफिंग के साथ या स्टफिंग के बिना भी तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए सारे कोफ्ते हमने इस तरीके से रेडी कर लिए हैं। अब देखिए हम एक लेंगे पैन, और उसमें मैंने जो ऑयल है वो अच्छे से गर्म कर रखा है, और ये देखिए, और उसमें सारे कोफ्ते डाल देंगे और इनको धीमे से डालेंगे। स्लाइटली डालना है, बहुत ज़्यादा मतलब तेज़ी से नहीं डालना है, बहुत आराम से डालना है। जेंटली इनको टर्न करेंगे और पूरा अच्छी तरीके से सेक लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने इसे टर्न किया है और अच्छे से सेक लिया है। और फ्लेम को एकदम लो भी नहीं रखेंगे, एकदम हाई भी नहीं रखेंगे, मीडियम फ्लेम होना चाहिए, क्योंकि अगर लो रखेंगे तो ये फटने लगते हैं, और अगर हाई करेंगे तो ये अंदर से सिकेंगे नहीं। तो इस तरीके से इनको जेंटली इनको टर्न करना है, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी टर्न नहीं करना है, धीमे हाथ से इनको धीमे धीमे टर्न करना है ताकि हमारे कोफ्ते टूट ना जाए, फट ना जाए। तो ये देखिए कोफ्ता हमारा रेडी हो गया, कितना प्यारा कलर आया है और कितने अच्छे से सिके हैं। इनको हम टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। इस तरीके से देखिए मेरे सारे कोफ्ते एकदम रेडी हो गए हैं, बहुत ही बढ़िया कलर आया है। और फर्स्ट पार्ट हमारा कोफ्ते का रेडी हो गया है, और अब हम नेक्स्ट पार्ट की तैयारी करेंगे जिसमें हम बनाएंगे ग्रेवी। तो उसके लिए लिया है मैंने ये पैन, और पैन में मैंने डाला है ऑयल। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे, जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा वैसे ही फटाफट इस पर डाल देंगे सारे खड़े गर्म मसाले। तो ये सारे खड़े गर्म मसाले मैंने डाल लिए, इनको अच्छे से भून लेंगे, फ्लेम को लो रखेंगे, एकदम लो फ्लेम रखेंगे। और उसके साथ ही साथ जो मैंने प्याज और टमाटर लिए हैं, उसमें अदरक लहसुन वो सब इसमें ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छे से भून लेंगे। तो ये देखिए सारे मैंने रफली चॉप किए थे और इस तरीके से इनको डायरेक्टली पैन में डाल दिया है, और इनको अच्छे से भून लेंगे। तो ये देखिए सारे अच्छे से भून लीजिए इस तरीके से। और नेक्स्ट अब हम इसको ढक देंगे थोड़ी देर, और इस ताकि जो प्रोसेस है कुकिंग प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट हो जाए, और इनको इस तरीके से भून लेंगे। नेक्स्ट अब हम इसमें ऐड करेंगे सारे मसाले। तो हल्दी पाउडर मैंने ऐड किया है। नेक्स्ट इसको अच्छे से चला दीजिए, साथ ही साथ इसमें ऐड करेंगे हम धनिया पाउडर। तो ये धनिया पाउडर और नमक मैंने ऐड कर दिया है, और नमक इसमें ऐड कर दीजिए ताकि ये जल्दी से कुक हो जाए। तो ये देखिए इसका कलर चेंज होने लगा है इस तरीके से, और इसको ढककर हम थोड़ी देर के लिए कुक करेंगे। तो यहाँ पर हम
देखिए हमारा जो जो ग्रेवी के लिए हमें रिक्वायरमेंट थी मसाले की, वो सब रेडी हो गए इस तरीके से, और ये प्याज टमाटर और इस तरीके से रेडी हो गए। नेक्स्ट अब हम इसको एक बाउल में निकालेंगे और ठंडा करेंगे। तो ये देखिए हमारे मसाले एकदम, इनको ठंडा, कम्प्लीटली ठंडा कर लीजिए। और इसकी अब हम बनाएंगे प्योरे। तो इसको ब्लेंडर में डाल के इस तरीके से हमने इसकी प्योरे बना ली है। नेक्स्ट जो काजू और मलाई हमने ली थी, फ्रेश क्रीम ली थी, उसका भी प्योरे बना के रेडी कर लेंगे। अब हम लेंगे सेम पैन और उसमें सबसे पहले डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, ताकि जो मेरे को कलर चाहिए वो लाल मिर्च से ही आएगा। और उसके साथ ही साथ थोड़ी सी हल्दी डाल के ये प्योरे ऐड कर देंगे। तो ये देखिए फटाफट से हमने इसमें प्योरे ऐड कर दिया। आप इस प्योरे में थोड़ा सा वाटर ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और उसके साथ ही साथ जो मलाई और काजू का पेस्ट हमने बनाया था वो भी इसमें ऐड कर देंगे और इसमें एक अच्छा सा बॉयल आने देंगे। तो ग्रेवी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, गाढ़ी या पतली, जैसे भी आप चाहें उस तरीके से कर सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करके इसमें एक अच्छा सा बॉयल आने दूंगी। तो इस तरीके से मैं इसे ढक के कुक कर रही हूँ ताकि इसमें से अच्छा सा बॉयल आ जाए। तो ये देखिए ग्रेवी हमारी एकदम फटाफट एकदम रेडी हो गई है। आप चाहें तो इस ग्रेवी को छान भी सकते हैं, बट मैंने इसको छाना नहीं है, इस तरीके से ही यूज़ किया है। और साथ में अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। तो ये देखिए सबसे पहले मैंने ये कोफ्ते इसमें डाले हैं और उसके ऊपर से डाली है ये गरम गरम ग्रेवी। और ये देखिए इस तरीके से आपको जब सर्व करने हो तो कोफ्ते लीजिए और उसके ऊपर से गरम गरम ग्रेवी इस तरीके से ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर हमारे मलाई कोफ्ता एकदम रेडी हो गए हैं। गार्निश किया ऐसे मैंने थोड़ी सी क्रीम के साथ। तो इस तरीके से आप इस पर थोड़ी सी क्रीम ऐड कर दीजिए। और साथ ही साथ ये मलाई कोफ्ता खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं और बहुत इजीली बन जाते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और अपना एक्सपीरियंस मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे हेल्दी।